नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसे पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है और विकास के लिहाज से भी सिर्फ निर्णायक ही इसे कहा जा रहा है। यूपी सरकार की तरफ से जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भी भव्य बनाने की तैयारी है। बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं और पीएम मोदी की विशाल रैली भी कराई यहाँ पर जाएगी। इस खास कार्यक्रम के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट भी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पार्टी दावा कर रही है कि पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। विश्वास जताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने जा रहे हैं। वैसे ये टेंट तो सिर्फ पीएम की रैली के लिए है और टेंट के पीछे ही एक और जगह जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए तैयार हो रही है। ऐसे में हर तैयारी पहले से की जा रही है और तय कार्यक्रम के तहत सब कुछ किया जाएगा। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह बताते हैं कि 12 लाख स्क्वायर फीट टेंट के अलावा 12 फीट ऊंचा स्टेज भी बनाया जाएगा और उस स्टेज पर कई सारी एलईडी स्क्रीन्स भी होंगी और उन पर जेवर एयरपोर्ट के 3D वीडियो चलाए जाएंगे। इस सब के अलावा पीएम मोदी के लाउंज हेलीपैड भी तैयार उनके लिए रखा जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि कल महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए होने वाला है, क्योंकि कल जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जेवर। ऐसे में एक बीजेपी की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, दावा किया जा रहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और पश्चिमी यूपी का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का होने वाला है। इसीलिए तैयारियाँ जो हैं वो पहले से की जा रही है और कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जेवर पहुंचे थे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, कल ये बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए होने वाला है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कैसी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा एक दिन है, जो कि इतने लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था, जेवर एयरपोर्ट का, उसकी सौगात मिलेगी और उसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तैयारियों को लेकर के कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और उन्होंने खुद जायजा लिया था मंच से लेकर पूरे पंडाल का, और जितने भी वहां पर स्टोर या कुछ बनाया गया है सबका उन्होंने खुद निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जनसभा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं उन सबके साथ उनके बैठक की गई थी। आपको बता दूं, करीब 12 लाख स्क्वायर फीट का जो है वो टेंट लगाया गया है और 12 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया है जिसपे प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। वो 12 फुट ऊंचा स्टेज है और जो क्षमता बताई जा रही है कि करीब, चाहे वो मैं बुलंदशहर की बात करूं या गौतम बुद्ध नगर की, और भी जगह से करीब 2.5 लाख तक लोग पहुंचने का यहां दावा किया जा रहा है। एलईडी भी लगाई गई है, सिटिंग व्यवस्था है, इसके अलावा पीछे तक का जो पूरा एरिया है, यानी कि करीब 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच सकता है। पुलिस इस समय चुस्त दुरुस्त है, पुलिस की करीब 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है। SPG की टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा हेलीपैड बनाए गए हैं, 3 हेलीपैड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया है जी। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ी एक सौगात मिलने वाली है गौतम बुद्ध नगर के लोगों को, उसके लिए तैयारियां जोर शोर पर है और लोगों में भी अलग तरह का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल भूपेश, अगर अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया गया था, तब वहां पर भी बहुत बड़ा बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, एक एयर शो का भी आयोजन किया गया था, तो भव्य कार्यक्रम माना जा रहा था। क्या उसी तर्ज पर ये कल होने वाला कार्यक्रम है या ये उससे भी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, ये कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी सौगात है। उसको लेकर देखिए लोगों में भी जोश है और लोगों में एक जुनून भी दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचना चाहते हैं और आला अधिकारियों का जो अमला है वो यहाँ पर पहले से ही जुटा हुआ है। कल भी जब वहां पर लगातार
हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर का लैंडिंग कराकर देखी जा रही थी, तो वहां पर हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है आसपास के गांवों के, वो वहां पहुंचे हुए थे उसको बिल्कुल देखने भूपेश के लिए। और ये नजारा तो लोगों में उत्साह कितना ये कल ही दिख गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां से उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया था, तभी वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए एक अलग तरह, क्योंकि कल केवल ये था कि आम जनता के लिए वहां पर अलाउ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो अन्य लोग हैं वो थे। इसके अलावा जो जहां पर हेलीपैड बनाया हुआ वहां पर हजारों की संख्या में लोग आसपास के गांवों के पहुंच गए थे, वो अपने मुख्यमंत्री की पहली झलक देखना चाहते थे, क्योंकि पहली बार है कि गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रधानमंत्री आएंगे और एक जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मुख्यमंत्री भी पहली बार जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे, तो देखिए एक गौतम बुद्ध नगर के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जी चलिए ठीक है भूपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कल जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए जेवर पहुंचेंगे और ऐसे में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जो हैं बहुत जोरों शोरों से बीजेपी की तरफ से की जा रही है। खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे कल और ऐसे में आपको बता दें कि तैयारियां जो हैं वो पूरी लगभग कर ली गई हैं, बस इंतजार कल का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और भूमि पूजन वो करेंगे।